बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल हमज़ा मैथलैब। आज हम ऑन योर ओन 9.3 में क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इस यूनिट के आप लोगों को तमाम वीडियोस चाहिए तो इस तरह मैंने नाम दिए हुए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाए, प्लेलिस्ट में इस यूनिट का नाम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके जब आप लोग अंदर जाए तो फिर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है, तरतीब के लिहाज से। और मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्ले लिस्ट का लिंक भी दूँगा, तो वहाँ पर आप लोग जो है ना देख सकते हैं। अच्छा, आप इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ़ 990 इज़ डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स अ नंबर, ठीक है, 990 ये डिक्रीज़ हुआ है, मतलब कम हुआ है, किससे? 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर की 3 टाइम्स से। एक नंबर है, ठीक है, वो हमें मालूम नहीं है, उसका 3 टाइम्स अगर आप लोग लें, मतलब 3 मरतबा वो माइनस करें इससे, तो इस जुमले का यही मुराद है कि एक नंबर का 3 टाइम्स इससे माइनस हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, इट रिजल्ट्स इन द नंबर डिक्रीज बाय 30, और इसका इसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक वो वाला नंबर आता है जिस तरह हमने लिया है वहाँ पर, लेकिन डिक्रीज बाय 30, वो 30 इससे माइनस हुआ है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो ये बाद में आप लोग समझ जाएंगे जब हम वो नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। तो वो नंबर हमें मालूम नहीं है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स का नाम। जब भी अलजेब्रा में कोई चीज़ मालूम नहीं हो तो फिर हम इसको एक वेरिएबल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स मैंने ले लिया, तो मैंने ले लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स, नंबर मैंने एक्स ले लिया। अगर एक्स को मालूम करने में हम कामयाब हो जाए तो वो नंबर हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इस 3 टाइम्स अ नंबर की बात हो रही, तो नंबर तो मैंने एक्स लिया, अब इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3 टाइम्स मतलब 3 मरतबा, तो इस एक्स का 3 टाइम्स इस तरह आएगा, ठीक है। नंबर तो मैंने एक्स लिया, इसका 3 टाइम्स किस तरह होगा, फिर 3x होगा, तो मैंने लिख दिया 3 टाइम्स द नंबर, वो क्या आएगा, 3x आएगा। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 990 डिक्रीज बाई 3 टाइम्स अ नंबर। तो एक नंबर है, उससे ये 990 डिक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जुमला मैं लिख दूँ, और मैंने लिख दिया कि 4 इज़ डिक्रीज बाय 3 एंड रिज़ल्ट इज़ 1, इस तरह हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। 4 डिक्रीज़ हुआ है किससे, 3 से, और रिज़ल्ट क्या आया है, 1 आया है। यहाँ पर 99 डिक्रीज़ हुआ है किससे, 3 टाइम्स अ नंबर से, इससे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम लिखते हैं 99 डिक्रीज बाय 3 टाइम्स अ नंबर, 990 डिक्रीज हुआ है, मतलब माइनस हुआ है 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर, तो हमने इस तरह लिखा ना यहाँ पे। अब 990 डिक्रीज बाय 3 टाइम्स अ नंबर, तो 990 हमने डिक्रीज़ किया, मतलब माइनस किया किससे, 3 टाइम्स अ नंबर से, 3 टाइम्स अ नंबर ये है ना, तो इससे ये माइनस किया, ठीक है। अब इसमें फिर अगला क्या है, द नंबर डिक्रीज बाय 30, वो नंबर डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, कम हुआ है किससे, 30 से। तो वो नंबर क्या है, एक्स है ना, एक्स हमने ले लिया था, वो नंबर एक्स ले लिया था, और डिक्रीज़ हुआ है मतलब माइनस हुआ है किससे, 30 से, तो इस तरह हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, 990 डिक्रीज बाय 3 टाइम्स ए नंबर, ये तो हमने लिख दिया कि किस तरह आता है, 990 माइनस 3x, ठीक है। फिर इट रिजल्ट इन, इसका जवाब किस तरह आएगा, द नंबर डिक्रीज बाय 30, तो इसका जवाब ये आएगा, क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि अगर ये डिक्रीज हो जाए 3 टाइम्स अ नंबर से तो इसका रिजल्ट किस तरह आता है, वो ये आता है, ठीक है, द नंबर डिक्रीज बाय 30। तो क्वेश्चन में हमें ये क्यों है कि इसका रिजल्ट ये आता है, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है, रिजल्ट का आना मतलब बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारा किस तरह है, ये 990 डिक्रीज बाय 3 टाइम्स अ नंबर, द रिज़ल्ट इज़ अ नंबर डिक्रीज बाय 30। हमने एक इक्वेशन बना दिया और इसमें हमने हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये एक्स वाले एक साइड पर जमा करने होंगे और ये नंबर जो है दूसरे साइड पर। तो पहले इस साइड से ये एक्स वाला उस साइड पर ले जाए, तो एक्स वाले एक्स के साथ, फिर 30 इस साइड पर ले आएंगे, तो नंबर नंबर के साथ आएगा, ठीक है। तो हम किस तरह करते हैं, ये 990 अपनी जगह रह गया, फिर इक्वल्स एक्स माइनस 30, और ये जब इस तरह आते हैं तो ये
प्लस 3x बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव था, इस तरफ पॉजिटिव बन गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या करना है, ये 30 इस यहाँ पर ले आना है, इस नंबर के साथ लगना है। तो 990 30 जब इस तरफ आता है तो फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बन जाएगा प्लस 30, ठीक है, प्लस बन गया। और हम ये दोनों बाकी बच गए ना, एक्स प्लस 3x, इन दोनों को आप लोग जमा करें तो ये आता है 1020। इन दोनों को जमा करें तो ये 1x और 3x भी बन जाएगा 4x, ठीक है, 1 और 3 4 बन गया। अब x हमने मालूम करना है तो 4 को इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। तो x अकेले रह गया और 4 जब इस साइड पे आता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर डिवीजन में, ठीक है। अब इस नंबर को आप लोग 4 पर डिवाइड करें कि क्या आता है, तो हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 2 बाकी बच के यहाँ पर आ गया, 22 बन गया। 4 5 ज़ार 20 20 हमने ले लिया, 2 बच के यहाँ पर आ गया, 20 बन गया। 4 5 ज़ार 20, तो हमारा नंबर क्या है, वो नंबर हमें मालूम हो गया 255 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि द नंबर इज़ 255, वो नंबर क्या है, 255, द नंबर इज 255। हम आ गए क्वेश्चन 6 पे, इसमें कह रहे फाइंड द नंबर इफ 2/5 ऑफ इट इंक्रीज बाय 2 इज हाफ ऑफ इट, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर हमने फाइंड करना है कि अगर उस नंबर का हम 2/5 ले लें, 2/5 मैं बाद में समझाऊंगा, अगर उस नंबर का हम 2/5 ले लें फिर इसके साथ इंक्रीज, इसको इंक्रीज करें मतलब जमा करें किस नंबर से, 2 से, और इज़ मतलब इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और उस नंबर का हाफ लें। तो इस नंबर का 2/5 लेना है, उसके साथ 2 जमा करना है और फिर वो बराबर होगा इज़ इक्वल टू उस नंबर के हाफ के बराबर होगा। तो आप लोग सबसे पहले यह तो जान लें कि 2/5 क्या होता है, फिर बाद में क्वेश्चन को समझाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैं लिख लूँ 1/2, तो इसको बोलते हैं हम हाफ। 1/2 ये आधा हिस्सा है, ठीक है। 1 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो 0.5 आएंगे ना, 0.5 आधा हिस्सा है 1 का, तो इसको बोलते हैं हम हाफ, ठीक है। अगर हम इस तरह लिखे तो ये, इसको हम बोलते हैं 1/5, ठीक है, 1/5। अगर हम इस तरह लिखे 2 और नीचे 5, इसको हम बोलते हैं 2/5, ठीक है, 2/5। इस तरह हम लिखे तो ये हम बोलेंगे 3/5, इस तरह। तो 2/5 हमारे पास ये चीज़ होता है, तो इसमें कह रहा है 2/5। तो सबसे पहले एक नंबर हमने फाइंड करना है, वो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो नंबर हम x ले लेंगे, ठीक है, हमें मालूम नहीं है तो हम फिर कि क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो मैंने लिया लेट द नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है, वो नंबर मैं क्या लूँगा, x लूँगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2/5 ऑफ इट, उस नंबर का 2/5 हम लें, हमने लेना है। तो 2/5 तो मैंने समझाया 2/5 को बोलते हैं ना, तो 2/5 इसको बोलते हैं किस नंबर का, इस नंबर का जो हमने लिया, वो तो हमने x लिया ना, तो x का मैंने 2/5 इस तरह। अगर कोई आपको कहता है कि किसी नंबर का 2/5 ले तो उस नंबर को 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2/5 इज़ इंक्रीज बाई 2, इसके इसको बाद में आएंगे, इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ इट, इस नंबर का हाफ हम लेने ला हमने लेना है। तो नंबर क्या है, x है, इसका हाफ किस तरह लेते हैं, अगर इसको हम 2 पर डिवाइड करें तो हाफ आ जाएगा ना, हाफ तब हम मालूम करते हैं जब हम किसी चीज़ को 2 पर डिवाइड कर देते, या 1/2 के साथ, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करें तो इससे हाफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है और इसका हाफ किस तरह, इसके साथ 1/2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका हाफ बन गया। तो हाफ ऑफ द नंबर किस तरह आएगा, वो है 1/2 और ये नंबर, तो ये है हाफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो नंबर में हमें मालूम नहीं था, एक्स ले लिया, फिर 2/5 उस नंबर का किस तरह आएगा, 2/5 और वो नंबर मैंने लिख दिया, इस तरह इसका 2/5 आ गया। फिर हाफ ऑफ द नंबर, उस नंबर का हाफ किस तरह आएगा, तो हाफ मैंने लिख दिया, इसको हम हाफ बोलते हैं, और इस तरह नंबर, तो इसका मैंने हाफ ले लिया। फिर क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, तो क्वेश्चन में ये बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब कंडीशंस क्या है, कंडीशन इसमें है कि अगर उस नंबर का हम क्या ले लें, 2/5 ले लें, इसके साथ 2 जमा करें, ठीक है, तो वो इक्वल होगा उस नंबर के हाफ का, इस तरह कि उस नंबर है, ठीक है, वो नंबर है,
इसका मैंने 2/5 ले लिया, ठीक है 2/5, इसके साथ 2 इंक्रीज़ किया मतलब जमा किया, 2 जमा किया तो वो इक्वल है किसका, उस नंबर के हाफ का। उस नंबर का हाफ क्या है, उस नंबर का हाफ तो ये है ना, तो ये इक्वल है इस नंबर के हाफ का, तो इस तरह आ गया। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं कि 2/5 ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाई 2 इज़ 1/2 इज़ हाफ ऑफ द नंबर। ठीक है, अब इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी आंसर होगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है ना डिनोमिनेटर्स में ये 5 है और यहाँ पर 2 मौजूद है, तो इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा। ठीक है, 2 5 10, 10 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमसे ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और क्वेश्चन आसान बन जाए। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको ऐड करें, लेकिन फिर ज़्यादा लॉन्ग होगा। तो 10 को एलसीएम को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते, 10 मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2/5 एक्स से भी, प्लस 10 मल्टीप्लाई करूँगा 2 से भी, फिर इक्वल बीच में 1/2 एक्स से भी 10 आप लोग मल्टीप्लाई करें, तो तीनों के साथ 10 मल्टीप्लाई किया। इस 10 को इस पर डिवाइड करें, 5 1 5 5 2 10, ठीक है, इस 10 को इस 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, 10 1 2 10 1 10 10 5 2 1 2 2 5 10, इस तरह हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 2 2 4 आ गए और एक्स पी है, प्लस ये 2 10 20 और इक्वल, फिर ये 1 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 5 5 और इसके साथ एक्स भी है, तो इस तरह आ गया। अब हमने ये एक्स वाले एक साइड पे ले आने और ये जो है ना ये एक्स वाले इस साइड पे जमा करेंगे या इस साइड पे, जो भी आप करना चाहते हैं, और नंबर इस साइड पे, तो हम इस एक्स वाले को इस साइड पे ले आएंगे तो एक्स वाले इस साइड पे जमा हो जाएंगे और ये अकेला बच जाएगा, तो ये 20 अकेला बच गया, फिर इक्वल लिखेंगे, फिर ये 5x अपनी जगह, जब ये 4x इस साइड पे आता है इसके बाद लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर बन जाएगा -4x। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू 5x से 4x गया, तो एक x बाकी बच गया ना, 1x बाकी बच गया, लेकिन 1 हम यहाँ पर लिखते नहीं, तो वो नंबर हमने मालूम किया कि वो क्या है, वो 20 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द नंबर इज़ 20, द नंबर इज़ 20, वो नंबर क्या है, 20 है।